भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। प्रधानमंत्री ने आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय डेयरी उद्योग से जुड़े उद्यमी, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता सहित सभी पक्ष शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत गाय और भैंसों की अपनी विशिष्ट नस्लों के लिए विश्व भर में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 8 करोड़ से अधिक लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनकी बदौलत भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। So ladies and gentlemen, as we raise a toast to this flourishing Indian dairy sector with a glass of milk, आज वर्ल्ड डेयरी समिट में इसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि विश्व के अनेक गरीब देशों के किसानों के लिए ये एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल बन सकता है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की इस खासियत को एक और यूनिकनेस से जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। हमारे डेयरी सेक्टर की दूसरी विशेषता है भारत का डेयरी कोऑपरेटिव सिस्टम। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती हैं और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है।